इधर अमेरिका ने पाकिस्तान से बढ़ाई दोस्ती, उधर रूस में मोदी ने मचा दिया भौकाल। मोदी ने रूस के साथ किया बहुत बड़ा करार, भारत के धमाके से यूरोप चीन दोनों हो गए चित। दोस्तों, दुनिया भर के देश भारत रूस की दोस्ती को तोड़ने में लगे हुए हैं। सुपर पावर अमेरिका भारत को रूस से दूर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, वो भारत को लुभाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका को जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं दे रहे। अमेरिका भारत को तमाम हथियार देने का वादा भी कर रहा है। वो चाहते हैं कि भारत रूस का साथ छोड़कर अमेरिका के साथ आए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ एक निश्चित दूरी बनाकर चल रहे हैं। भारत रूस से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने पर भी भारत रूस से दूर नहीं हुआ। अमेरिका के साम दाम दंड भेद की नीतियों के बाद भी भारत ने रूस के साथ दूरियों की जगह नजदीकियां बढ़ा ली है। भारत ने इनडायरेक्टली रूस यूक्रेन वॉर में रूस की मदद की है। भारत ने अरब देशों से तेल आयात बंद करके रूस से अपना तेल आयात बढ़ा दिया, जिससे रूस को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने में मजबूती मिली। इसी बीच अमेरिका ने अपना दोगला रवैया दिखाते हुए पाकिस्तान की मदद कर दी। दोस्तों, अमेरिका के बाइडन प्रशासन ने ट्रंप प्रशासन के फैसले को पलटते हुए पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के लिए 45 करोड़ डॉलर के डिवाइसेस की खरीद को मंजूरी दे दी है। इन सैन्य डिवाइसेस की मदद से अब पाकिस्तान के ये घातक F-16 फाइटर जेट हवा में उड़ान भरते रहेंगे और जोरदार हमला कर सकते हैं। माना जाता है कि F-16 फाइटर जेट की मदद से पाकिस्तान ने भारत के MiG-21 विमान को मार गिराया था। एनालिस्ट का मानना है कि अलकायदा सरगना ऐमान अल जवाहिरी पर हमले में मदद करने के बाद अब अमेरिका ने पाकिस्तान को यह तोहफा दिया है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि सेना प्रमुख जनरल बाजवा अपने रिटायरमेंट से पहले अमेरिका की यात्रा भी कर सकते हैं। इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्रालय विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया है कि इस प्रस्तावित बिक्री से साउथ एशिया में सैन्य संतुलन नहीं बिगड़ेगा। अमेरिका ने दावा किया है कि सैन्य मदद से F-16 विमान काम करते रहेंगे। इससे पाकिस्तान वर्तमान और भविष्य में होने वाले आतंकवाद के खतरों से आसानी से निपट सकेगा। साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के सभी तरह के सैन्य मदद रोक देने के बाद अब बाइडन प्रशासन ने इस फैसले को पलट दिया। दरअसल ऐसा पहली बार है जब पाकिस्तान को अमेरिका से सैन्य मदद मिल रही है। इससे पहले ट्रंप ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भागीदार नहीं रहा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी सरकार में संसद यानी कांग्रेस को पाकिस्तानी वायुसेना को इस सैन्य बिक्री के बारे में बता दिया गया है। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक अहम भागीदार है। उसने कहा कि F-16 प्रोग्राम दोनों देशों के रिश्तों की अहम कड़ी है। साथ ही अमेरिकी संसद की ओर से जारी नोटिफिकेशन में प्रस्तावित बिक्री के बारे में कहा गया है, इसमें किसी नई क्षमता या हथियार को शामिल नहीं किया गया। उसने कहा कि पाकिस्तान ने F-16 बेड़े को जीवन दान देने के लिए अनुरोध किया था, फिर भी अमेरिका ने ये बिक्री ऐसे समय पर की है जब उसने पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में घुसकर अलकायदा सरगना को मार गिराया। वहीं पाकिस्तान ने अमेरिका को मदद देने को झुटला दिया, लेकिन तालिबान ने कहा है कि ये पाकिस्तानी मदद से ही संभव हुआ है। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तानी F-16 विमान भारतीय वायुसेना के लिए भी बड़ा खतरा है। इन्हीं फाइटर जेट ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन के MiG-21 जेट को मार गिराया था। ऐसे में दोस्तों, अमेरिका के इस कदम के बाद भारत ने सुपर पावर को तगड़ा झटका दे दिया है। सवाल उठता है कि भारत ने अब क्या किया है? पश्चिम क्यों बेचैन हो रहा है? यूरोप की साजिश कैसे चकनाचूर हो गई? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप भी देश की मजबूत रणनीति से गदगद हो जाएंगे। दोस्तों, भारत और रूस दो ऐसे देश हैं जिन्होंने सदैव एक दूसरे की मदद की है। मौजूदा समय में भी रूस के साथ भारत की दोस्ती एक नए आयाम के साथ आगे बढ़ रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साल 2015 में ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम की स्थापना की थी, जिसका मकसद पूर्वी क्षेत्र का विकास करना। भारत बहुत पहले से इसमें भाग लेता रहा है। ये वैश्विक समुदाय के भीतर संबंधों को स्थापित करने और मजबूत करने के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच है। अब इसमें 7वें वर्जन में भी भारत को इन्वाइट किया गया। वर्चुअल होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने भाग लिया और दोनों देशों के संबंधों और नीतियों को लेकर प्रतिक्रिया भी दी। साथ ही उन्होंने आर्कटिक नीतियों को लेकर भी संकेत दे दिया है, जो आने वाले दिनों में पश्चिमी देशों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया, जहां उन्होंने तमाम मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ये फोरम सहयोग का प्रमुख मंच है। एनर्जी सेक्टर में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन विवाद बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही हमने कूटनीति और बातचीत का रास्ता अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है।
हम इस संघर्ष को खत्म करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने इस फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि व्लादिवोस्तोक में आयोजित किए जा रहे 7वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में आपसे वर्चुअल रूप से जुड़ने का मौका मिला। इसी महीने व्लादिवोस्तोक में भारत के काउंसुलेट की स्थापना के 30 साल पूरे हो रहे हैं। इस शहर में काउंसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मौका मिला था। उस समय हमने भारत का एक्ट फार ईस्ट नीति की घोषणा की थी, जिसमें रशियन फार ईस्ट के साथ अलग अलग सेक्टर्स में भारत का सहयोग बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्कटिक टॉपिक पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए तैयार है। एनर्जी सेक्टर में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। एनर्जी के साथ साथ भारत ने फार्मा और हीरो के सेक्टर में भी रशियन फार ईस्ट में महत्वपूर्ण इन्वेस्ट किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज की वैश्वीकृत दुनिया में विश्व के किसी भी एक हिस्से की घटनाएं पूरे विश्व पर असर पैदा करती हैं। यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी से ग्लोबल सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ा है। खाने की चीजें, फर्टिलाइजर और फ्यूल की कमी विकासशील देशों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि ये शहर भारत के साथ संबंधों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। 2015 में स्थापित ये फोरम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का वैश्विक मंच बन चुका है। इसके लिए उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को अपनी दूरदर्शिता के लिए धन्यवाद दिया। आज इस नीति की वजह से दोनों देशों के बीच की दोस्ती का मेन पिलर बन चुका है। भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारतीयों की प्रतिभा रूस के विकास में अहम योगदान दे सकती है। इसके साथ ही चीन को करारी मात देने के लिए भारत ने चेन्नई व्लादिवोस्तोक प्लांट मैरीटाइम कॉरिडोर का प्लान तैयार किया। इस कॉरिडोर के जरिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को रूस के एक शहर से जोड़ना है। इस नए सी रूट के बाद भारत और रूस के बीच ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ 24 दिन का ही समय लगेगा। अभी यूरोप के रास्ते सामान भारत और रूस में पहुंचाने में 40 दिन का समय लग जाता है। दरअसल साल 2019 में जब पीएम मोदी ने इस ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में शिरकत की थी, तो उस समय पीएम मोदी ने इस पर बात की थी। पीएम मोदी ने रूस के इस हिस्से के विकास के लिए $1 अरब की मदद देने का वादा किया। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने चीन को जोर का झटका दे दिया है, जिसका रिएक्शन देना उनके बस की बात नहीं। वेल दोस्तों, ये थी खबरें अमेरिका के भारत के साथ दोगलापन दिखाकर पाकिस्तान को F-16 देने की, साथ ही भारत के रूस की तरफ बढ़ती बड़ी योजनाओं की। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।